थोड़ा डिस्टेंस कवर अप कर चुके हैं और आई गेस 45-50 किलोमीटर बाकी है और 10 किलोमीटर में तप तप पानी आ जाएगा और 40 किलोमीटर में जीरा। So after toils and troubles, we have reached Jinang. Honestly, le raaste. नीचे है क्या? उधर एक व्हाइट गेट, बड़ा सा व्हाइट गेट है। अच्छा, इस रास्ते से जाना क्या? ना ना ना, यहाँ से सीधा मेन रोड चले जाओ। ओके, मेन रोड चले, वहाँ पे एक बड़ा सा व्हाइट गेट दिखाएगा। ठीक है, उधर वेस्ट टेम्पल को बोर्ड दिखा हुआ। ओके ठीक है, थैंक यू। Entering this place, one can find a lot of idols everywhere, and this place was inaugurated by Dalai Lama himself in 2010. I like the way how it is very peaceful and quiet here. So, अभी 9 नहीं बजा actually, so visiting hour इसका 9 से शुरुआत होगा, तो अभी हम लोग chill मार रहे हैं सब लोग। हम लोग फाइनली इधर आ गए हैं, बहुत ही पीसफुल और शांत जगह है, सिर्फ हमें हमारा वॉइस ही सुनाई दे रहा और है, कुछ हाँ। नहीं है यहाँ पे। और अभी हम लोग 15 मिनट मंदिर खुलने से पहले भिखारी लोग हाजिर हो गए हैं, तो अभी 10 मिनट बाकी है। टिकट काउंटर में 5 रुपए लेंगे। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 10 acres एंड कंस्ट्रक्टेड इन अटनपुरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, दिस ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री हैज अ ह्यूज मेडिटेशन श्राइन हॉल एंड अदर स्मॉल टेम्पल्स, institutes and hostels inside this well spread out complex. Also, I came to know that there is an actual school here for Tibetan studies and there are students staying and reading different courses here. This place is really beautiful. You can find peace flags everywhere in different colors. Each color in a prayer flag represents an element. Red symbolizes fire, white symbolizes air and the wind, while blue symbolizes the sky and the space, while the yellow symbolizes earth and the green symbolizes water. तो मोहित, हमको कुछ इस बेल के बारे में बताओ। मैं बोल रहा था कि बेल को बजाने से, बेल को क्या है, घुमाने से ना, तो जो इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है, इसको माना जाता है कि अपने पढ़ा जाता है इस बेल को घुमाने से, और ऊपर कनेक्टेड है उससे, रॉड से बेल कनेक्टेड है, तो जब ये रिंग घूमता है तो बेल भी बजता है, तो यू फील इनर पीस।
So this mantra was written on each and every flag we noticed, and the mantra was Om Mani Padme Hum. Om means the sacred syllable, Mani means the jewel, Padma means the lotus, and Hum means the spirit of enlightenment. So unexpectedly हम लोग प्रवास से दोबारा मिले यहाँ पर जीरांग पे. तो प्रवास कैसा लग रहा है, कैसी जगह है ये? पूरा मस्त जगह है, बहुत बहुत अच्छा सीनरी भी है. हम लोग एक तो यहाँ पे फेमस इनका जो एक तो डिश है वो ट्राई करेंगे. एक दुकान गए थे हम लोग, वहाँ पे मिला नहीं, हम लोग खत्म हो गया था. बहुत मुश्किल से एक दुकान मिला है, यहाँ पे ट्राई करते हैं. उसका नाम है थुक्पा. सो फाइनली हमारा जीरांग का ट्रिप ख़त्म होने को आ रहा है. हम लोग जीरांग से निकल के आ चुके हैं. तो जाते टाइम हमने सोचा चिलिका लेक भी थोड़ा देख आते हैं. ट्रिप में दो दिन कंटिन्यूअस ड्राइव. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द ट्रिप. होपफुली वी विल अगेन बी मेकिंग अ गुड ट्रिप. प्लानिंग टू मीट सून अगेन. प्लानिंग टू मीट सून. सो हाउ वाज द जर्नी? आई थिंक अनएक्सपेक्टेड प्लान्स वर्क्स वेरी मच. या एक्चुअली एज यू कैन सी.